छठ पूजा का खरना कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन व्रती दिन भर व्रत रखते हैं और फिर शाम में पूजा के बाद गुड़ की खीर खाकर 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। खरना में सिर्फ एक समय ही भोजन किया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। दरअसल खरना का मकसद तन और मन को छठ पारण तक शुद्ध करना होता है। खरना का प्रसाद सबसे पहले व्रती ग्रहण करती हैं, इसके बाद ही ये प्रसाद घर के अन्य लोगों को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं खरना पूजा में क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है और खरना पूजा की विधि क्या है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए जानते हैं खरना पूजा सामग्री में किन किन चीजों की जरूरत होगी। प्रसाद रखने के लिए बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां, बांस या फिर पीतल का सूप, एक लोटा दूध और जल अर्पण करने के लिए, एक थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, सुथनी, गेहूं, चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ, व्रती के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियां लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक, हल्दी का हरा पौधा, बड़ा वाला नींबू, फल जैसे नाशपाती, केला और शरीफा, पानी वाला नारियल और मिठाइयाँ। अब आइए जानते हैं खरना पूजा विधि क्या है। इस दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लेती हैं। व्रती नाक से मांग तक सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद व्रती खरना में दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर का प्रसाद तैयार करती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ और उनकी पूजा के बाद ही इस प्रसाद को सबसे पहले व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाएं अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि खरना पूजा के साथ ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके अलावा पूड़ियाँ, ठेकुआ, खजूर भी बनाया जाता है। इस पूजा में मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। खरना के दिन से छठ पूजा समाप्त होने तक व्रत रखने वाले लोग चादर बिछा कर सोते हैं। खरना पूजा का प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर ही बनाते हैं। साथ ही खीर पकाने के लिए शुद्ध अरवा चावल या साठी के चावल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल करना सबसे उत्तम माना गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।